मुझे कुछ नहीं समझना। आप अपनी अम्मी को फौरन सच बताएं वरना अभी मैं बताने लगी हूँ। आशा प्लीज प्लीज तुम उनके सामने कुछ नहीं कहोगी प्लीज। ये झूठ बोलने की एक वजह थी। I'm stuck. और मजबूरी क्या होती है तुम अच्छे तरीके से जानते हो। अब हम सब अपनी मर्जी से खुद प्लान करके करेंगे ना। आपका क्या ख्याल है बहन? फिर क्या डेट डिसाइड करें? तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया है, इज्जत के साथ तुम्हें अपनाना चाहता है। जिस तरह के हमारे घर के हालात है ना, मुश्किल ही कोई आगे बढ़कर हमारा हाथ थामेगा। ये वाला भी कर एक मिनट कर। ठीक है आशा, मुझे आपसे बात करनी है। बात तो मुझे भी आपसे करनी है सर। क्या नहीं, आपने जो बात करनी है आप यहाँ कर सकते हैं। आप मेरे साथ बाहर चलो प्लीज। कहाँ? चक्कर क्या है यार? मामला तो दिन ब दिन सीरियस ही होता जा रहा है। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो शिकायत लगा देंगे। किसे शिकायत लगाएंगे? बासे साहब तो चले गए, तुमने देखा नहीं अभी। वैसे एक बात बताओ, कौन सी मीटिंग है आज जिसका ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है? कहाँ लेकर गए बासे साहब अपनी फेवरेट सेक्रेटरी को? तुम क्यों चाहते हो हम इस ऑफिस से निकाले जाए? बाज आ गया। अब बिल्कुल मत हिलना, मैं जरा कॉर्नर थोड़ा सा ठीक कर लूं। मैं तो कहती हूँ आमिर से कहो अपने माँ बाप को फौरन ले आए शादी की बात कर ले। अभी कुफल टूटा है तो लगे हाथों तुम्हारी भी मेहंदी और उपटन हो जाएंगे। तो इसलिए तो आपको लेकर जा रही हूँ कि आप उसे समझाएं कि अपने माँ बाप को जल्दी लेकर आए। हाँ यही तो सही वक्त है, अभी वैसे भी तुम्हारी माँ की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा हुआ है। उसे बासित की खूबियां नजर आ रही तो आमिर के ऐब क्यों नजर आएंगे? आमिर में कोई ऐब नहीं है, पसंद है वो मेरी। हाँ बासित सब पैसे में थोड़ा कम है लेकिन शक्ल और सूरत में नहीं। इसी बात का तो गम है, जिस चीज में कमी नहीं होनी चाहिए वही कम है। उफो बॉबी फुफो, आप तो बात करने से पहले ही डरा देती हैं। अरे कुछ नहीं होता, परेशान क्यों हो रही हो? चलो अब जल्दी करो। तुम कहाँ चली भी थैला गले में डालकर? बाजार जा रही हूँ जोया के साथ, पार्लर के लिए मेकअप खत्म हो गया वो लेना है। क्या मेकअप लेना, कौन सा पार्लर चलता है तुम्हारा? रहने दो, मैं सब जानती हूँ भाभी, तुम तो चाहती ही हो कि मेरा पार्लर बंद हो जाए। तुम्हारे पास अगर इतने ही फालतू पैसे है ना तो मुझे दे दो, जानती हो ना इस घर में पैसों की कितनी जरूरत है। खबरदार जो मेरे पैसों पर नजर रखी, इतनी मेहनत से चार पैसे कमाती हूँ मैं। अच्छा ये आपकी मेहनत के पैसे हैं? हाँ तो बता दो अपनी अम्मा को कहाँ से आए ये पैसे, बताओ बताओ। चलें अब, अम्मा एक घंटे तक वापस आ जाएंगे, मार्केट से कुछ सामान लेना। जाओ भाई जाओ। महंगी कुछ चाहिए? सच, आपका सच।
दो कॉफी प्लीज। कल मेरा साथ देने का बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। आप जानते हैं आपकी हरकत की वजह से मेरे घर में कितना बड़ा तमाशा हुआ है? अब क्यों करना चाहते हैं आप शादी? समझने मेरे लिए शादी करना बहुत जरूरी है। कैसे समझ लो? जब तक आप समझाएंगे नहीं मैं कैसे समझ लूं? चलिए फर्ज करें मान लिया आपके लिए शादी जरूरी है, लेकिन मुझसे क्यों? अगर मैं कहूं मुझे आप पसंद हैं, दो दिन में आपको मुझ जैसी आम सी लड़की पसंद आ गई। आप आम नहीं आयशा, मेरी नजर में आप बहुत कीमती हैं। जिसके दिल में जितना एहसास होता है वो उतना ही कीमती होता है, और मेरी नजर में सबसे सबसे अमीर इंसान वो है जिसके जितने ज्यादा रिश्ते हैं। रिश्तों की ख्वाहिशात के लिए वो अपने आप को भुला देने को तैयार हो। आप मुझे ये मत बताएं कि मैं कैसी हूं, आप मुझे अपनी सच्चाई बताएं। ठीक है, मैं आपको पूरा सच बताने की हिम्मत करता हूं, लेकिन उसके बाद आप यकीन रखिएगा मैं 9 साल का था जब सलमान मुझे छोड़ के चली गई। सलमान आपकी मदर? आप कह सकती हैं लेकिन मैं नहीं मानता। बचपन में मजहब से लेकर सोसाइटी के तौर तरीके तक मैं समझता रहा कि जिस माँ को खुदा भी रहीम कहता है वो अपनी औलाद को छोड़ के कैसे जा सकती है। सड़क पर रहने वाला जानवर भी अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं कर सकता। पानी पीजिए। उठो, देखिए आशा बैठी, बासित भाई भी साथ हैं। हो गया तुम्हें, कोई और होगा। मुझे तो पकड़ पकड़ के घर लेकर आती है, उसको खुद देखें। तो वो मुझे छोड़ के चली गई, कभी वापस नहीं आई। हाँ कभी कभी फोन किया करती थी और मैं उनसे वापस आने की बातचीत किया करता था। फिर एक दिन मैंने जिद करना छोड़ दी और उन्होंने मुझे फोन करना छोड़ दिया। और इज्जत से मेरा एतबार उठ गया। जो औरत माँ होने का मान नहीं रख सकती वो उसके सामने बाकी सारे रिश्ते तो छोटे। तो फिर आप शादी क्यों करना चाहते हैं? जब से मेरा यकीन उठा तो बाबा का दिल बहुत बैठ गया। उन्हें लगा कि मैं अकेला रहूंगा तो शायद अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तो उन्होंने अपनी वसीयत में एक शर्त रखी कि हर वो चीज जिस पे मेरा हक है उसको हासिल करने के लिए मुझे शादी करना बहुत जरूरी है। हम अपनी विरासत पाने के लिए शादी करना चाहते हैं। सुनने में ऐसा ही लगेगा। देखिए मैंने बाबा को जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं दी। उन्होंने इस फर्म इस कंपनी को खड़ा करने में बहुत मेहनत की। मैं उनके ख्वाब रायगा नहीं जाने दे सकता। उसी तरह जिस तरह आपकी अम्मी की उस दिन किराए वाली बात पे आपसे एक उम्मीद जुड़ी थी, मैंने बहुत हिम्मत जोड़ के आपको सब कुछ सच सच बताया।
अब आपकी यकीन करने की बारी है। आपको बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करूंगा, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम्हें नौकरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं होगी, मैं गारंटी हूं। ना बेटा ना, हमारे खानदान में शादी से पहले लड़के लड़कियां यूं अकेले में नहीं मिलते। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो तुम कर रही हो वो देखने आई हूँ। भाई जोया को भूख लगी थी तो हमने सोचा कुछ खाने के लिए आ जाते। यहाँ? हाँ, हम यहाँ नहीं आ सकते। खैर देखो बासत, अब तुम इसका ऑफिस आना बंद करवा दो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अब तुम दोनों की शादी होने वाली है और यूं इस तरह अकेले मिलना घूमना हमारे खानदान में तो बहुत मायूब समझा जाता है। और वैसे भी खुद सोचो, अगर किसी ने तुम दोनों को यूं अकेले देख लिया तो लोग क्या कहेंगे कि इस घर की लड़कियों को कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। I think you should sit. हम कुछ ऑर्डर करते हैं। चलो बैठते हैं। आप लोग बैठे, हमें जाना है, ऑफिस से लेट हो रहे हैं। देख रही हैं आप इसे? अच्छा अब छोड़ो, वो वहां बैठा हुआ, चलो खाना ऑर्डर करते हैं। लगता है आपकी इंक्वायरी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। फिलहाल तो आयशा को घर भेजो, जुमे को निकाह है, उसके बाद रिसेप्शन है। रिसेप्शन? रिसेप्शन। ये देखो, ये रिसेप्शन के कार्ड्स के कुछ सैंपल्स हैं, इसमें से देखकर बताओ कौन सा ऑर्डर करें। मैं किसी रिसेप्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सादा सा निकाह होगा एंड दैट्स इट फॉर मी। मेरी खातिर ना सही अपने बाबा के वकार का ख्याल तो रखोगे, है ना? मैं आयशा को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। 4 दिन है निकाह में, अच्छा तो नहीं लगता कि वो यहाँ आके ऑफिस तुम्हारे काम करे। प्लीज आज ही कार्ड का डिजाइन सेलेक्ट कर लेना। बाय। वालेकुम अस्सलाम। जुमे को तुम्हारा निकाह है और तुम अभी तक ऑफिस में काम कर रही हो, ये तो मुनासिब नहीं लग रहा। ऐसा करो, तुम अपना सामान समेटो, मैं नीचे गाड़ी में आ जाओ। आपने बोगी फूफो की बात को इतना सीरियसली ले लिया, अभी से मुझे घर भिजवा रहे हैं। बात बॉबी फूफो की नहीं है, बात माँ की है। तो उनके साथ घर जाओ, वो तुम्हें घर छोड़ देंगे। जी रेहाना की आईब्रोज के 200। बस सबसे उधार ही करती रहोगी ना तो चल गया तुम्हारा काम। अरे भाभी, जब कमेटियां निकलेंगी तो सबने पैसे दे ही देने। करती रहो कमेटियों का इंतजार, तो आ जाता है, आ जाता है सब। अम्मा,
वासु की अम्मी आई। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं शादी के लिए कुछ सामान लेकर आई थी, ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि वक्त ही बहुत कम था। अरे आप तो बहुत कुछ ले आई, आप खड़ी क्यों हैं? आए ना बैठे। नहीं नहीं, आपको पता है अभी मैं नहीं बैठ सकती, अभी तो बहुत से काम करने हैं मुझे। मैं असल में आपको बताने के लिए आई थी कि हमने डिसाइड किया है कि जुमे को निकाह रखेंगे, तो अब चंद दिन है, मेरा ख्याल है अब मुनासिब नहीं लगता कि आयशा ऑफिस जाए। ये भी बताना था कि हम ये सोच रहे हैं कि निकाह आपके घर पर ही हो जाए। यहाँ तो इतनी जगह नहीं है। जी जी, क्योंकि हम तो सिर्फ घर वाले होंगे और बासित चाहता है कि सादगी से निकाह। बस फिर उसके बाद जब आयशा आ जाएगी हमारे घर, तो फिर वलीमे का रिसेप्शन ज़रा अच्छे तरीके से कर लेंगे। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं फिर चलती हूँ, अभी कुछ और चीज़ें हैं तो ड्राइवर ले आता है। आयशा बेटे, आप अपनी को मेजरमेंट्स दें मुझे। मैं आंटी के साथ सामान लेके आऊँ। हाँ चलिए, मैं इंतज़ार करूँगा। जी जी जी। इधर आना, देख कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें आई। वाह, ससुराल से आने वाला सामान आयशा बीबी खुद अपने साथ ले आई हैं। क्यों मम्मा, अब इसको किसी ने शर्म या हया का लेक्चर नहीं दिया? क्या हो गया जोया, बड़ी बहन के लिए ऐसे बोलते हैं? और ये सारा सामान इसकी सास ने से साथ ले जाकर दिलाया, इसमें हर्ज ही क्या है? फिर तो आपको ये सुनकर भी ताज्जुब नहीं होगा कि आपकी बा हया बेटी बासित भाई के साथ लैला मजनू की तरह रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। बासित इसका होने वाला शौहर है, समझी तुम? वाह अम्मा वाह, सारी पाबंदियां हमारी बार, और आयशा कुछ भी करे जायज। आमिर के साथ देखकर तो मुझे घसीट घसीट कर घर लेकर आई थी, और आज जब खुद बैठी हुई थी तब बोलो ना, चुप क्यों हो? सारे असूल और सख्तियां मेरी बारी सबको याद आ जाते हैं, और जब खुद पर बात आती है तो कुछ नहीं, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आमिर से कहो इज्जत से रिश्ता लेके आ जाए, फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। इज्जत से तो तलाल भी रिश्ता लेकर आया था। ये दोनों इवेंट मैनेजर्स हैं, रिसेप्शन के लिए इनको बुलाया। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। आज शाम को निकाह होगा। शादी से ये फायदा तो हो रहा है कि दो चार पड़ोस ने आ गए तैयार होने। हाँ ये पड़ेगी फाउंडेशन। अरे जोया, क्या बात है, तूने यूं ही सर झाड़ मुंह फाड़ बैठे रहना है, तैयार नहीं होना? अरे क्या हो गया, जल्दी से तैयार हो जा, क्या पता आने वालों में से कोई तुझे पसंद कर ले। मैंने जिसको पसंद आना था मैं आ गई, अब अपने मशवरे अपने पास रखें। भाई मर्जी है तेरी, जब मैं और औरतों को तैयार करने में मसरूफ हो जाऊंगी ना, फिर ना आना मेरे पास।
बॉबी पापा कहाँ गई? कितनी प्यारी लग रही हो तुम, तुम्हारे हाथ क्यों इतने ठंडे हो रहे हैं, क्या हुआ है? शक्ल ऐसी क्यों बनाई हुई है, नर्वस हो रही हो? शायद। घबराने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। शादी तो तुम्हारी होनी थी, नाराज तो नहीं मुझसे? शायद इसी को नसीब कहते हैं आयशा, बस तुम्हारी हाथों की लकीरों में मुझसे पहले किसी और का हो जाना लिखा था। मुझे तुम्हारी लकीरों पे पूरा भरोसा, तुम्हें इंशाल्लाह तलाल से बहुत बेहतर लड़का मिलेगा। आज मेरी बात छोड़ो ना, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, इतनी प्यारी लग रही हो। बॉबी पप्पू ने तुम्हें इतना अच्छा तैयार किया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बॉबी पप्पू ने नहीं किया, बॉबी पप्पू ने जो बेस लगाई थी मुझे, इससे ज्यादा गोरी थी, उतारा मैंने सब। चलो मैं तुम्हें ज्वेलरी पहना दूं। लड़की भी अपनी मर्जी की है, शेरवानी मेरी पसंद से पहन लो। इस शादी को लेकर हम दोनों के बीच जो भी तय हुआ उसका जिक्र आयशा से मत करना। ये सब क्या है, क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? क्यों जरूरत नहीं थी, दुल्हन का कमरा है, ऐसा ही लगना चाहिए। अच्छा छोड़ो, ये मैंने शेरवानी सिलवाई है तुम्हारे लिए। नहीं नहीं पहनूंगा। शादी अपनी मर्जी से कर रहे हो, लड़की भी अपनी मर्जी की है, शेरवानी मेरी पसंद से पहन लो। आप जानती हैं मुझे इन सब चीजों से सख्त चिढ़ है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि शादी जिन हालात में भी हो रही है, तुम जानते हो शादी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मत करना जो मैंने किया। भैया मजबूती से लगाना, कहीं वो निकल ना जाए, ठीक है? ये बॉबी, मैंने तुमसे कहा था कि कौरमे का ख्याल रखना और तुम यहाँ लगी भी हो। मैंने चूल्हे पर से उतार दिया है, परेशान मत हो। उतार दिया चूल्हे से? क्यों भाई, और ये सब क्या है, क्यों कर रही हो फजूल खर्ची? मेरे पास नहीं है इतने पैसे। क्या हो गया कुत्सिया, क्या आज के दिन भी मेहमानों को कौरमे और बिरयानियाँ खिलानी है? तो फिर क्या खिलाऊं बोलो। मैंने अपने पैसों से चाइनीज ऑर्डर कर दिया, परेशान मत हो। और वो बराबर वाली उज्मा बाजी ना, उनके मियाँ करते हैं सारी शादी ब्याह की सजावटों का काम। मैंने उधार पर उनसे भी कुछ चीज़ें मंगा ली हैं। तुम करो या ना करो खर्चा, मगर मैं अपने भाई की बेटी पर सारे अरमान सारे चाव पूरे करूँ। हद करती हो वैसे तुम भी बॉबी।
बॉबी फुफो मेरे बाल बना दे। देखा, जब मैं उस वक्त कह रही थी तो तुम्हें नखरे आ रहे थे। प्लीज। अच्छा भाई, जल्दी आओ। सर अब इस शेरवानी को पहने ना, तब लगेंगे ना अब्दुल्ला। तुम्हें बहुत पता है फैशन का, शेरवानी रखो और जाओ यहाँ से, काम करो अपना। उसे नहीं पता पर मुझे तो पता है ना। वो थूका भाया, चार दिन पहले तो लंदन में था। तू चार दिन में शादी कर सकता है, मैं चार दिन में लंदन से नहीं आ सकता। जरूर तुझे उन्होंने ही बुलाया होगा। शर्म आनी चाहिए तुझे कि उन्होंने बुलाया और तूने नहीं। चलिए शेरवानी पहन। सर मैं शुएब अंकल को भी साथ लाया हूँ, अब अपने साथ अपना दोस्त भी लेकर आए। क्या मतलब है, पूरी बारात इकट्ठी कर लिया तुमने ना? अब निकाह करने जा रहे हैं तो चार लोग तो चाहिए होंगे ना। और मैं तेरे कमरे में गया था, मुझे नहीं पता था तू इतना रोमांटिक है, फूलों भरा बेड। यस अब लग रहा ना तू हीरो। चल लेट्स गो। आयशा बीबी बिनत सादिक हादी, आपको बासित वल्द सलमान अहमद से बाएवज हक में 10,00,000 रुपये सिक्का रजुल हक, ये निकाह कबूल है? आयशा बोलो कबूल है। आयशा बीबी बिनत सादिक हादी, आपको बासित वल्द सलमान अहमद से बाएवज हक में 10,00,000 रुपये सिक्का रजुल हक, ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। बहुत मुबारक। मुबारक हो बेटा। कांग्रेचुलेशन आंटी। बहुत मुबारक। आज सलमान जिंदा होता और तुम्हें यूं दूल्हा बना हुआ देखता, बहुत खुश होता। मुबारक हो। कांग्रेट्स मैन। सजती फिरो आहे भरो बुनती रहूं। चलो आओ आकर अपनी दुल्हन के साथ बैठ। बॉबी जाओ ना, पानी वानी लेकर आओ। इन अमीर लोगों से रिश्तेदारी जोड़कर हम जैसे तो कहीं दबी जाते हैं। इनसे ये भी नहीं कह सकते कि हमने दूध पिलाई की रस्म करनी है, जबकि तुम साली हो, तुम्हारा हक है कि तुम दूध पिलाई की रस्म करो, अपने बहनोई से ढेर सारे पैसे मांगो। मगर नहीं, क्या कहूँ। खैर
जोया वैसे आपस की बात है, तुमने बासित के दोस्त को देखा, कितना प्यारा है ना, जरा इसके आगे पीछे घूम, जरा कोई खिदमत वदमत कर, क्या पता पट जाए, ताकि अम्मा मेरी जान ले लें। और वैसे भी मुझे किसी पर डोरें डालने की जरूरत नहीं है, मुझ पे जिसने मरना था वो मर चुका है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। खैर, मुझे तो अपनी आयशा के लिए बहुत खुशी हो रही है, कम से कम इस घर में कोई तो खुशी आई। अल्लाह इसके नेक नसीब करे। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सिया जाने ना, मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सिया नहीं बेटा, ऐसे कैसे, बस खाना लग ही रहा है, खाना खा कर जाना। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी हम? नहीं नहीं बेटा, तकल्लुफ की क्या बात है, हमने खाने का इंतजाम किया है। नहीं एक्चुअली घर पे एक्चुअली कुछ गेस्ट हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम जाना चाहते थे। तो बेटा उन्हें यही बुला लो, आप कहना बहन। हाँ बस रुक जाते हैं, खाना खा के चलेंगे, उन्होंने इतने शौक से खाना बनवाया, मैं बस खाना लगवाती हूँ। आपको क्या अच्छा लगता है मेरे मामलात में बीच में आके बोलना? मैं इसलिए कह रही थी कि वो क्या सोचेंगे, हम ये इस काबिल नहीं समझते कि इनके साथ खाना खा सकें। आप कैरी ऑन करें, मैं आता हूँ। जल्दी से ना उधर लगाओ खाना। अरे हम तो आपका खाना वहां लगवा रहे थे, आप पहले उधर आ गए। रुबीना अनम जाओ ना दुल्हन के पास जाओ, जाओ शाबाश जल्दी जल्दी। मैं ये वहां लगवाती हूँ। हाँ जल्दी, आपको बहुत भूख लग रही है। ये चेक, कैश नहीं कैरी कर सकता था। बहुत शुक्रिया बेटा। बेटा एक और गुजारिश थी तुमसे, इस शादी को लेकर हम दोनों के बीच जो भी तय हुआ उसका जिक्र आयशा से मत करना, वो सह नहीं सकेगी, वहाँ माँ बहनों को बेयारों मददगार नहीं देख सकती और बिल्कुल नहीं चाहती कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं। जानता हूँ उसको कुछ पता नहीं चलेगा। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे। आमीन। और खाने की जहमत मत कीजिएगा, मेरे कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे घर पे, तो हम वापस जाना चाहेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। थैंक यू। हाँ बुनती रहूं ख्वाबों की
Welcome to your new home. अब ये घर तुम्हारा है। तुम कहाँ जा रहे हो? आप आयशा को सबके साथ इंट्रोडक्शन कराएं, मैं और फहद नीचे हैं, कुछ काम है। चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। You must be tired now. चलो भाई लड़कियों आ जाओ, समेटो सब कुछ। बॉबी आ रही हूँ, आ रही हूँ। जो का तू पड़ा रह गया सब कुछ। हम खाएं पीट लोगों पर इतना खर्चा कर दिया। तुम्हें शौक था चाइनीज मंगवाने का, अब खाती रहना हफ्ता भर चाइनीज। मेरा सब पैसा बर्बाद हो गया, क्या बिगड़ जाता अगर दोने वाले खाकर ही चले जाते तो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, बड़े लोग हैं भाई, कहाँ खाएंगे खाना। और तू अभी तक इतना तैयार किसके लिए बैठी? अपने लिए। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, फौरन कपड़े बदल कर आ और आकर मेरा हाथ बटा, अभी सारा खाना भी फ्रीज करना है। उफ़ो बॉबी फुफो, आपको हर काम के लिए जबान पे मेरा ही नाम होता है, कभी बानो बाजी को भी बोल दिया करें। छत पे जा रही हूँ मैं। तो और क्या, और इस वक्त क्या करने जा रही तू छत पर? तारे गिनने जा रही हूँ, चलेंगी? अच्छी तरह पता है मुझे किस लिए जा रही वहाँ पे, निकम्मी काम चोर कहीं की। जरा सा पानी का ग्लास भी उठकर पीना पड़ जाए तो मौत आ जाती, और चलिए तारे गिनने, हमें ही दिन में तारे दिखा देंगी। हमारी उम्र गुजर गई इस घर की खिदमत करने में, और इन्होंने बड़े होते ही पर तोल लिए। एक वो बानो बेगम है, शादी ना होने पर 100 गज लंबी जबान से डसती रहती हर वहाँ, और ये छोटी है, अगर इसकी डोली ना उठी तो हमें तो ये मार ही डालेगी। ले आओ भाई बर्तन ले आओ। दो ही हाथ है भाभी, ला रही हूँ ना, मुझे तो पकड़ाओ जल्दी जल्दी करो। मुझे क्यों बिठा रखा है, तू जा अपनी दुल्हन के पास। अबे यार थोड़ी देर रुक जा यार फहद, तुझे क्या जल्दी इतनी जाने की? अब क्या टेंशन है, तो शादी भी हो गई, ये तो तू चाहता था। हाँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या जाके बोलूंगा उसको, मैं क्या बात करूंगा, मुझे तो इस रिश्ते से इतना खौफ आता है। तूने तो कहा था तुझे सब कुछ बता चुका है। लेकिन सब कुछ बता देने से हकीकत तो नहीं बदलती। तूने तो कहा था वो मजबूर है। मजबूर मैं हूं यार, मजबूरी में शादी मैंने की है, और मुझे लगता है यही बात है जो अंदर ही अंदर मुझे बहुत बॉदर कर रही है। और खुद सोच यार, किसी रिश्ते की बुनियाद ही अगर मजबूरी पे रखी गई हो तो वो कभी भी मजबूत कैसे हो सकता है। वैसे जब तू उस खौफ से निकल आके तेरी शादी फेल हो जाएगी, और फोकस कर। देख नॉर्मली दूल्हे के दोस्त उसको दुल्हन के पास जाने से रोकते हैं, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा। इतनी मुश्किलों से तेरी शादी हुई है, मैं नहीं चाहता कि दुल्हन वेट कर करके सो जाए। बकवास मत कर रहा है। चलना चलते हैं। बैठ, तुझे इतनी जल्दी क्या जाएगी यार, मैं बहुत थका हूँ, सीधा फ्लाइट लेके तेरी शादी पे आया हूँ, घर वालों से भी नहीं मिला, कल बैठ के बात करते हैं ना। तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चल जैसे भी सही, अभी शादी कर ली है ना तूने, और तुझे ही निभाना है इसे। काम कर तुझा। देख सादिया आंटी की खुदगर्जी तुझे जहर लगती थी ना, ख्याल रखना कहीं खुद खुद गर्ज ना बन जाना। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।
ना कुछ बोली सैया।